हाँ तो दोस्तों, हम इस वीडियो में कार्य यानी कि वर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि पेट्रोल और डीजल के जितने भी कुएं हैं वो अगले 40 वर्षों के अंदर अंदर खाली होने वाले हैं। कोयला भंडार भी लगभग चिंतनीय परिस्थिति में है, और चूंकि वैश्विक जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, इसलिए हम ऊर्जा की मांग को कम नहीं कर सकते, लेकिन हम ऊर्जा के नए स्रोत ढूंढ सकते हैं। तो चलो, हम इस वीडियो में कार्य से संबंधित कुछ बेसिक चीजें देखते हैं जो ऊर्जा को समझने में काम आएगी। दोस्तों, हम कार्य शब्द को दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं? पढ़ना, दौड़ना, कूदना, बोझा उठाना, गड्ढे खोदना और तो और पढ़ाई करना हमारी नजर में कार्य कहलाता है। लेकिन विज्ञान की नजर में इन सब चीजों में बहुत कम कार्य होता है या फिर होता ही नहीं है। लेकिन वहीं जब हम किसी पेड़ पर चढ़ते हैं या फिर पहाड़ी पर चढ़ते हैं, तो विज्ञान की नजर में उस समय बहुत ज्यादा कार्य होता है। तो चलो ये देखते हैं कि विज्ञान कार्य को कैसे परिभाषित करती है। हाँ तो दोस्तों, विज्ञान के नजरिए से हम कार्य को बल से जोड़ते हैं, और इसी कारण विज्ञान में कार्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। अगर कोई बल F किसी वस्तु को उस बल की दिशा में कुछ विस्थापित करता है, तो विज्ञान की नजर में कार्य होता है, अन्यथा नहीं। दोस्तों, हम कार्य को जूल में मापते हैं। जूल कार्य की SI इकाई है। दोस्तों, अब हम एक नियत बल के अंतर्गत होने वाले कार्य के मान को निकालने जा रहे हैं। माना कि कोई नियत बल F किसी वस्तु को उसकी दिशा में S विस्थापन से विस्थापित करता है, तो उस बल के द्वारा उस वस्तु पर किया गया कार्य, जिसको हम W से दर्शाते हैं, का मान कुछ इस प्रकार होगा। W इक्वल टू बल का परिमाण गुणनफल बल की दिशा में उस वस्तु का विस्थापन। दोस्तों, यहाँ पर मॉड ऑफ F बल का परिमाण है। दोस्तों, तो अब बताओ, 1 जूल कार्य कितना होगा? अगर कोई 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित करता है, तो हम कहते हैं कि उस बल ने उस वस्तु पर 1 जूल कार्य किया। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस दिशा में हम बल लगाएं उसी दिशा में वस्तु का विस्थापन हो। जैसे निम्न चित्र में आदमी बल ऊपर की तरफ लगा रहा है, लेकिन चट्टान की गति नीचे की तरफ हो रही है, तो यहाँ पर बल की दिशा के विपरीत वस्तु का विस्थापन हो रहा है। तो बल की दिशा में विस्थापन निकालने के लिए हम निम्न तरीका अपनाते हैं। तो दोस्तों, हम ये मानते हैं कि वस्तु पर बल की दिशा यह है और वस्तु के विस्थापन की दिशा यह है, और बल और विस्थापन के मध्य कोण थीटा है। तो हम इस चित्र को देखकर आराम से पता लगा सकते हैं कि वस्तु का कुल विस्थापन तो AC के बराबर है, लेकिन बल की दिशा में विस्थापन AB के बराबर है, और यहाँ पर AB का मान वस्तु के कुल विस्थापन गुणनफल cos थीटा के बराबर होगा। दोस्तों, आपको cos की 3 वैल्यू याद रखनी है। cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है, और cos 180 डिग्री -1 होता है। तो यहां से अब हम पता लगा सकते हैं
कि विज्ञान में कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या फिर जीरो हो सकता है। दोस्तों, अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ h ऊंचाई तक फेंकते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण उस वस्तु पर कितना कार्य होता है? दोस्तों, जब वस्तु ऊपर की तरफ जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा किस तरफ होती है? नीचे की तरफ। और विस्थापन की दिशा किस तरफ होती है? ऊपर की तरफ। तो इस कारण बल और विस्थापन के मध्य कोण कितना है? 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्य कितना होगा? गुरुत्वीय बल का परिमाण गुणनफल विस्थापन का परिमाण इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर गुरुत्वीय बल का परिमाण कितना है? एम इंटू जी। यहाँ पर एम वस्तु का द्रव्यमान है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। विस्थापन का परिमाण कितना है? ऊंचाई h। और कॉस थीटा का मान कितना है? -1। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया जाने वाला कार्य -mg इंटू h के बराबर होगा। अब हम गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले कार्य को निकालते हैं। जब कोई वस्तु कुछ ऊंचाई से नीचे गिरती है, जब वस्तु माना h ऊंचाई से नीचे गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा नीचे की तरफ होती है और वस्तु की विस्थापन की दिशा वो भी नीचे की तरफ होती है। तो यहाँ पर बल और विस्थापन के मध्य कोण 0 है और cos 0 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर कार्य कितना होगा? बल का परिमाण इंटू विस्थापन का परिमाण इंटू cos थीटा की वैल्यू 1। बल का परिमाण m इंटू जी और विस्थापन कितना है? h। तो कार्य होगा mgh। दोस्तों, अब हम ऐसी परिस्थिति में कार्य का मान निकालते हैं जब बल का परिमाण नियत रहे लेकिन उसकी दिशा बदलती रहे। इसका एक उदाहरण एक समान वृत्तीय गति है। एक समान वृत्तीय गति में अगर हम अभिकेंद्रीय बल की बात करें, तो उसकी दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होती है और जो कण वृत्तीय गति में गति कर रहा है, उसके विस्थापन की दिशा हर पॉइंट पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। तो इस कारण अभिकेंद्रीय बल उस कण पर जो कि वृत्तीय गति में गति कर रहा है, उस पर 0 कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल और विस्थापन के मध्य कोण 90 डिग्री है और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अगर हम असमान वृत्तीय गति की बात करें, तो भी अभिकेंद्रीय बल तो 0 ही कार्य करेगा, क्योंकि उस समय भी अभिकेंद्रीय बल और विस्थापन के मध्य कोण 90 डिग्री रहेगा। दोस्तों, अब हम एक ऐसा कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं जो कई बार क्वेश्चनों को बहुत आसान बना देता है। कंसेप्ट इस प्रकार है, अगर हम बल और विस्थापन के मध्य ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ और विस्थापन अक्ष के मध्य जो क्षेत्रफल होता है, उसका मान उस बल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। जैसे इस चित्र में y अक्ष की तरफ हमने बल को लिया है और x अक्ष की तरफ हमने विस्थापन को लिया है। तो जो यह क्षेत्रफल है लाल और हरे रंग वाला, वो इस बल के द्वारा किया गया कार्य है। दोस्तों, प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में जो क्षेत्रफल होता है, उसको हम धनात्मक लेते हैं और द्वितीय और चतुर्थ चतुर्थांश में जो क्षेत्रफल होता है, उसको हम ऋणात्मक लेते हैं। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी वस्तु का किसी बल की उपस्थिति में टोटल विस्थापन 0 है, तो उस बल के द्वारा उस वस्तु पर किया गया कार्य 0 होगा। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। माना कि कोई 5 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर
पर लगता है और उसके कारण वो वस्तु 10 मीटर तक विस्थापित हो जाती है। इसके बाद बल की दिशा वापस पलट जाती है और वो वापस वस्तु को प्रारंभिक बिंदु तक लाता है। तो हमें यह बताना है कि उस बल के द्वारा उस वस्तु पर कुल कितना कार्य किया गया। हम इसको करने के लिए दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जाते समय माना कार्य W1 और आते समय कार्य W2 है। तो W1 का मान कितना होगा? 5 × 10 × cos θ। cos θ की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 50 जूल कार्य होगा। वापस आते समय भी बल और विस्थापन के मध्य कोण 0 है, तो अब भी कार्य 50 जूल होगा और कुल मिलाकर कार्य 100 जूल होगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। दोस्तों, अब हम बल और विस्थापन के मध्य ग्राफ के द्वारा एक क्वेश्चन करते हैं। माना कि बल y अक्ष की तरफ है और विस्थापन x अक्ष की तरफ है। अगर इनके मध्य ग्राफ कुछ इस प्रकार हैं, तो किया गया कार्य विस्थापन अक्ष और ग्राफ के मध्य का क्षेत्रफल होगा। इस क्षेत्रफल का मान निकालने के लिए हम इसको इस प्रकार से बांटते हैं कि प्रत्येक बांटे हुए भाग का हमें क्षेत्रफल पता हो। जैसे कि ऊपर वाले क्षेत्रफल को हम दो ऐसे भाग में डिवाइड करते हैं कि एक आयत बन जाए और दूसरा समकोण त्रिभुज बन जाए। अब अगर इस आयत का क्षेत्रफल W1 है और इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर W2 है और नीचे वाले आयत का क्षेत्रफल W3 है, तो कुल मिला के कार्य का मान W1 प्लस W2 माइनस W3 होगा। यहाँ पर W1 लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर होगा। लंबाई की वैल्यू 2 और चौड़ाई की वैल्यू 5। इसी प्रकार W2 का वैल्यू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार की वैल्यू 2 मीटर और ऊंचाई की वैल्यू 5 मीटर। और इसी प्रकार W3 की वैल्यू भी लंबाई इंटू चौड़ाई से हम निकालेंगे। और फिर पहली इक्वेशन में इन सब क्षेत्रफलों के मान रख देंगे और इससे हमको कुल मिला के कार्य मिल जाएगा। हाँ, तो दोस्तों, हमने कार्य से संबंधित लगभग सभी कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, इसलिए निम्न क्वेश्चन करने का प्रयास करो। इन सभी क्वेश्चनों के हल वर्णन में दे रखे हैं। अंत में दोस्तों, मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके ही प्रेम के कारण हम नित्य न्यूतन वीडियो बनाने के लिए अग्रसर रहते हैं।